Everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series of financial accounting or basic accounting, and in this part we are going to cover up next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, so please channel की playlist में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स ग्रुप SWNT, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलोअप कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइज, इन दिस पार्ट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जर्नल एंट्रीज, ठीक है. और जनरल एंट्रीज से का जो टॉपिक था जिसके न्यूमेरिकल्स हमें आज प्रैक्टिस करने हैं, वो है आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है. इससे पहले वाले पार्ट पे आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एंट्रीज को समझा था, आज हम उसके बेस पे न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है. सो अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आप फॉलो कर रहे हैं और आप नए हैं, आपको सही लग रहा है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है. आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दो न्यूमेरिकल कवर अप करने वाले हैं. तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल अगर आप देखें, सो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से. इससे पहले वाले जो एंट्रीज हमने समझी थी उसके बेस पे ये वाला न्यूमेरिकल हम पहले सॉल्व करेंगे, ताकि थोड़ा एंट्री और क्लियर हो जाए. तो कल एंट्रीज हमने समझी थी कि जब बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या निकालते हैं तो एंट्रीज क्या क्या बनती हैं. तो पहला यही ट्रांजेक्शन है आपका कि कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया है 10,000 रुपए, ठीक है. कैश डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, इन द बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आपको एंट्री याद है अगर इससे पहले जो हमने डिस्कस करी थी, ट्रेल वन की एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो देखो बैंक में पैसा गया और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, ठीक है. तो बैंक में पैसा गया तो हमने क्या किया था कि जो भी आपका रिसीवर है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उस रूल के अकॉर्डिंग बैंक को क्या करोगे, डेबिट करोगे. तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिटेड हो जाएगा एज आपके पास से पैसा गया है और किसने रिसीव किया, बैंक ने, टू कैश अकाउंट. पैसा गया किस फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में. सो व्हाट गोज आउट वाले रूल से कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट, कैश उठाया होगा और बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है. एंट्री 10,000 से बन जाएगी. तो पहला ट्रांजेक्शन जो हमने कल एंट्री समझी थी उसी के ही बेस्ड पे था, तो ये क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे आप लिखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. नेक्स्ट इज कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक. अगर आप कैश क्या करते हो, विड्रॉ करते हो बैंक से, ठीक है, बैंक से पैसा निकाल रहे हो, आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन कैश, ठीक है. तो कैश अकाउंट को यहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उस रूल के अकॉर्डिंग. कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, देने वाला कौन है, बैंक. तो जो क्रेडिट द गिवर वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. तो ये एंट्रीज आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है, जब डिपॉजिट करोगे और जब निकालोगे तो एंट्रीज याद कर लो. जब डिपॉजिट करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश होता है, और जब निकालते हो तो रिवर्स एंट्री हो जाती है कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. लॉजिक क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है. तो कितना रुपये आपने विड्रॉ किया है, 2,000 रुपये, तो पैसा आया इसलिए कैश अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया है. और कहाँ से आया, गिवर कौन है, बैंक, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, ठीक है. ये दो ट्रांजेक्शन हो गए. नेक्स्ट है कि प्रोपराइटर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर इज पर्सनल यूज 5,000. आपका जो प्रोपराइटर मीन्स आप अगर ओनर हो, आपके बुक में एंट्री कर रहे हैं हम, तो प्रोपराइटर ने क्या किया है, कैश को बैंक से निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए. जब भी पर्सनल यूज होता है तो एक वर्ड याद रखना हमेशा, ड्रॉइंग्स वाला, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि आप ड्रॉइंग्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो. और निकाला कहाँ से, बैंक से निकाला है कैश, तो इन फॉर्म ऑफ बैंक, मतलब कैश के फॉर्म में ही पैसा आया, बट यहाँ पे हम बैंक से निकाले इसलिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि कैश अकाउंट को. तो राइट, सो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कि आप क्या कर रहे हो, ड्रॉइंग्स कर रहे हो, ठीक है. देखो आपने पर्सनल यूज के लिए निकालना है, एज अ प्रोपराइटर पर्सनल यूज के निकाल ले तो वर्ड ड्रॉइंग्स वाला. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, यहाँ पे कैश को क्रेडिट नहीं करोगे, यहाँ पे क्रेडिट करोगे बैंक को, क्योंकि आपने पैसा कहाँ से निकाला, बैंक से, ठीक है. सो बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. अगर बैंक ना वर्ल्ड होता तो कैश को हम क्रेडिट करते कि कैश के फॉर्म में पैसा आया. तो हमने क्या किया है, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट किया है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट, ठीक है. एंट्री की डेट क्या है आपकी, एंट्री की डेट क्या है आपकी, 3 अप्रैल, और 5,000 से अमाउंट है, तो अप्रैल 3 हमने कर दिया और 5,000 से हमने अपने अमाउंट को तो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है. तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है. नेक्स्ट एंट्री जो हमारी है वो है हमारी 4 अप्रैल की एंट्री की, चेक ऑफ 11,000 वॉज रिसीव फ्रॉम विजय. विजय से आपको चेक रिसीव हुआ है 11,000 का. ये हमने बताई थी एंट्री चेक रिसीव वाली की, पहली बात तो आपके पास चेक आया होगा,
तो हम क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि व्हाट कम्स इन चेक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड किससे आया है, गिवर कौन है, विजय, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू विजय हो जाएगा। तो एंट्री आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हम सब डिस्कस कर चुके हैं अप्रैल 4 की कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, इसको सही से लिख लेना, ठीक है, डेबिट है टू विजय, ठीक है, टू विजय, और अमाउंट कितना है आपका 11,000 का आपने चेक रिसीव किया है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे हम अपना डिस्क्रिप्शन और ये हमारी एंट्री क्लोज हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर हैंड राइटिंग में आप लिख लेना इसको, यहाँ पे थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, लेकिन हैंड अकाउंट डेबिटेड जिससे आया जो कस्टमर नेम है वो हो जाएगा आपका विजय। चलो नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी 6 अप्रैल की है कि चेक रिसीव किया था जो विजय से, उसको हमने बैंक में भेज दिया, पता पहले तो हमारे पास चेक आया तो चेक इन हैंड अकाउंट टू विजय, अब जो चेक विजय से आया था जो हमारे हाथ में है वो हमने क्या किया बैंक में भेजवा दिया 6 तारीख को, ठीक है, तो हमने बैंक में भिजवा दिया मतलब बैंक में चेक गया होगा, तो हमारे पास से क्या गया चेक गया, और किसने वो चेक रिसीव किया बैंक, तो बैंक एज अ रिसीवर क्या होगा डेबिट, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हमारे पास से क्या गया चेक गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है, क्योंकि व्हाट गोज आउट में हमारे पास से क्या गया है चेक गया है, तो हमने क्या एंट्री मारनी है, हमें यहाँ पे एंट्री मारनी है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, तो ये इजी एंट्री है हमारी और हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्यों हमें ये एंट्री करनी है। तो 6 अप्रैल 6 की ये एंट्री है कि हमारे पास से चेक गया, कहाँ गया बैंक, तो बैंक ने रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जो हमारे पास से गया चेक इन हैंड, और कितने का चेक था 11,000 का, मतलब हमने लेट डिपॉजिट किया, उसी दिन डिपॉजिट नहीं किया जिस दिन हमें रिसीव हुआ था, हमने दो चीज़ देखी थी, जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन करते हैं तो क्या होता है, और दूसरे दिन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट है आपका कि अ चेक ऑफ 5,000 वॉज रिसीव फ्रॉम साइबा एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, मतलब चेक आपको 5,000 का साइबा से मिला और आपने सेम डे ही बैंक में क्या कर दिया, उसे डिपॉजिट कर दिया, मतलब चेक अपने पास रखा नहीं, होल्ड नहीं किया है। तो इसमें हमने क्या बताया था, इस केस की एंट्री क्या होती है, जब आपको जैसे ही चेक आता है और वैसे ही आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हो तो चेक तो बैंक में गया, ठीक है, तो बैंक क्या हो गया आपका रिसीवर हो गया, ठीक है, बैंक ने चेक को क्या किया रिसीव किया, तो हम यहाँ क्या करेंगे बैंक अकाउंट को क्या करेंगे अपना डेबिट करेंगे एज पर द रूल डेबिट द रिसीवर, और यहाँ पे हमने चेक अपने पास रखा है जैसे आया वैसे ही चला गया, इसलिए जो कस्टमर अकाउंट है जो साइबा का अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री आपको बहुत से याद रखनी है कि जिस दिन आपने चेक रिसीव किया अगर उसी दिन आपने चेक को भेज दिया है मींस आपके पास चेक जो है वो रुका नहीं है, ठीक है, उसी दिन चला गया है, तो आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और जो कस्टमर है मतलब जिससे आपको चेक मिला है उसको आप क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे। एंट्री देख लो यहाँ पे 7 अप्रैल की एंट्री हमारी बनेगी ये, ठीक है, हमारे पास चेक रुका नहीं चला गया तुरंत बैंक, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट होगा एज बैंक ने रिसीव करा होगा चेक और हमारे पास आया, इसलिए हम चेक इन हैंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट कस्टमर का नेम लिखेंगे जिससे हमें वो चेक मिला था, ठीक है, तो नेम की स्पेलिंग बस चेक कर लेंगे, साहिबा है SAYEBA तो साहिबा, ठीक है, तो कितने का चेक था 5,000 का, मतलब हमारे पास चेक रुका नहीं, अगर रुकता तो हम चेक इन हैंड वाला एंट्री करते बट आया वैसे चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड तो जिससे मिला हमें, ठीक है, जो हमें गिवर था साहिबा उसको हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है, अप्रैल 7 की एंट्री होगी। लास्ट एंट्री यहाँ पे देख लो इसकी कि चेक रिसीव फ्रॉम साइबा 5,000 विच वॉज अर्लियर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक गेट डिसऑनर्ड, अगर जो चेक साइबा से आपको मिला था जो आपने बैंक में क्या किया डिपॉजिट कर दिया वो क्या हो गया डिसऑनर्ड हो गया, मीन्स बैंक ने उसे क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया है, आपका जो चेक था वो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। अगर बैंक चेक को रिजेक्ट कर देती है तो एंट्री मैंने आपको बताई थी कि रिवर्स हो जाएगी जो आपने डिपॉजिट वाले टाइम पे की थी ऑन द सेम डेट, कि आपने डिपॉजिट वाले टाइम पे क्या थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू साइबा, इसको रिवर्स कर दो, साइबा के पास चेक वापस जाएगा तो साइबा रिसीवर हो जाएगी, तो साइबा का जो अकाउंट है वो हम डेबिट करेंगे टू कहाँ से चेक मिला वो बैंक से, तो बैंक अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री देख लो 8 अप्रैल की, अप्रैल 8 की एंट्री क्या होगी आपकी, साइबा को चेक गया वापस तो साइबा अकाउंट को हमने डेबिट किया इससे बैंक से बैंक अकाउंट, ठीक है, जितने का जो चेक था आपका 5,000 का जो आपका क्या हुआ डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, तो चेक डिसऑनर्ड यहाँ पे ले देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझना था, कुछ एंट्रीज हमने करी हैं जो हमने कल समझा था उसके बेसिस पे, तो अभी नहीं देखी है वो वीडियो तो देख के आओ और फिर इसको दोबारा देखो समझ में आएगा। अब हम इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे जिसके हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्या है आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन दिए
जिससे पहला ट्रांजेक्शन मार्च 1 का है कि पेड इन टू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट 25,000। आपने बैंक से बैंक में क्या किया है, पैसे जमा किए करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए 25,000। तो आपने क्या किया होगा, पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो डिपॉजिट वाली एंट्री क्या थी, पैसा बैंक में गया तो बैंक रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या गया, कैश। ठीक है, तो मार्च 1 की एंट्री हो जाएगी आपकी, मार्च 1 की एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जिससे आपने ओपन कराया अकाउंट करंट अकाउंट 25,000 रुपए। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है 1008। तो ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट है 5 मार्च की एंट्री की गुड परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक 10,000। गुड आपने परचेज किए और आपने पेमेंट किससे किया, चेक किया। तो अगर कैश से करते तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश करते थे हम लोग, याद होगा आपको, बट यहाँ चेक से पेमेंट हो रही तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है बस। तो मार्च 5 की एंट्री अगर हम देखें तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू चेक से पेमेंट हुई है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो कितने का हमने करा है, 10,000 का। तो हमने यहाँ पे 10,000 से अमाउंट जो है वो लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 मार्च का क्वेश्चन। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 8 मार्च की कि कैश सेल की आपने 40,000 की, जिसमें से 30,000 आपको जो पैसा मिला वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब आपने सेल्स करी है कैश में। तो आपको क्या आया होगा, देखो कैश आया होगा। अगर हम देखो ऐसी एंट्री देखें कि सेल की है तो कैश तो आया होगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बट एक चीज देखो यहाँ पे कि आपके पास जो कैश आया उसमें से आपने 40,000 में से 30,000 बैंक में जमा कर दिया, मतलब सिर्फ 10,000 कैश होल्ड करा होगा और कितना आपने बैंक में जमा कर दिया। जमा करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक में पैसा गया तो बैंक अकाउंट एज अ रिसीवर डेबिट होगा। तो 30,000 आपने बैंक में दे दिए और बाकी कैश में 10,000 रखे और सेल्स से टोटल पैसा कितना है, 40,000। तो ये एंट्री कुछ आपकी बनेगी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हमने इसमें लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं टू सेल्स अकाउंट। 10,000 आपने सिर्फ कैश रखा है अपने पास, 30,000 बैंक में के फॉर्म में रखा है और सेल्स में आपका कितना आ जाएगा, ये मत करना, ये मैंने ऐसे कर दिया, 40,000 रुपये आपका सेल्स में गया। ठीक है, ये आपकी मार्च 8 की एंट्री है। ठीक है, तो ये एंट्री अच्छे से देख लो किस तरीके से हमने इसको अमाउंट को डिवाइड किया है। विदड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, 5,000 रुपए अपने प्राइवेट यूज के लिए निकाला है। सिंपल एंट्री हम करके भी आए इस तरह की एंट्री बहुत बार कि प्राइवेट यूज के लिए जब भी करते हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट तो क्या करते हो, डेबिट करते हो। विदड्रॉ किया है मतलब बैंक बैंक तो वर्ड आए तो कैश अकाउंट ये लिखेंगे, कितना रुपए विदड्रॉ किया, 5,000 रुपए। तो हमने इसको कर दी हमारी ये एंट्री 10 मार्च की। नेक्स्ट है आपका कि विदड्रॉ किया है कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, बैंक से विदड्रॉ किया है। ठीक है, तो जब भी बैंक से करेंगे तो कैश की जगह वर्ड बस सिंपल से आपको कर देना है बैंक अकाउंट। ठीक है, जहाँ कैश लिख रहे हैं वहाँ पे बैंक अकाउंट। तो 4,000 रुपये, 4,000 रुपये यहाँ पे आएगा आपका डिस्क्रिप्शन और हम देखेंगे क्या डेट है हमारी, डेट है 12 मार्च की। तो मार्च 12। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो देखेंगे लास्ट एंट्री कि विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विदड्रॉ किया है। एंट्री आपको पता है जब कैश आ रहा होगा व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया, पैसा आया तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिटेड। किससे आया, गिवर कौन है, बैंक, बैंक से विड्रॉ किया तो टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 12,000। ठीक है, मार्च 15 की एंट्री है, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5,000 था। ठीक है, अमाउंट एक बार फिर चेक कर लेते हैं कितना था, 12,000 था, तो उसको करेक्ट करेंगे, ये होगा आपका 12,000। तो इसको हमने लिख दिया 12,000। ठीक है, तो ये एंट्री आपने कर लेनी है। तो ये देखिए कुछ ट्रांजेक्शन हमने समझे जनरल एंट्रीज की, आई होप आप समझ पाए हैं गाइस। स्टिल अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा। राइट, सो सब्सक्राइब दिस टू दिस चैनल एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।